हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल कवर साइजिंग ऑफ कैपेसिटर बैंक विच आर बीइंग यूज्ड फॉर पावर फैक्टर करेक्शन और इम्प्रूवमेंट। यू कैन सी पावर ट्रायंगल मेंशनिंग एक्टिव, रिएक्टिव एंड अपेरेंट पावर। आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर अवेयर ऑफ बेसिक्स ऑफ पावर ट्रायंगल। रिलेटेड टू आवर टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन इज पावर फैक्टर। इट इज द रेशियो ऑफ किलोवाट एंड केवीए। नाउ लेट्स डायरेक्टली जम्प टू एन एग्जाम्पल फॉर फास्ट अंडरस्टैंडिंग। आप एक क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें लोड एंड प्रेजेंट पावर फैक्टर दिया हुआ है। हमें कैलकुलेट करना है के वी ए आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग पावर फैक्टर 2.95। अब इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, जो तरीके हुए फॉर्मूला मेथड एंड टेबल मेथड। वी विल लुक इन टू बोथ द मेथड्स। सो लेट्स सी फर्स्ट द फॉर्मूला मेथड। Here is the formula that we are going to use. Capacitors का rating KVAR में होता है। इस method में हमको present and required power factor with load in kilowatt known चाहिए। फिर हम इस formula का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमने जो पहले जो formula देखा उसको use करेंगे। ये हमारा पहले mention किया हुआ question है। इसमें present power factor है 0.72 एंड उसको अगर 0.95 करना है तो कितने केवीआर ऐड करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट कॉस्ट फाई हमारा है 0.72, उससे 5 की वैल्यू निकल जाएगी। डिजायर्ड कॉस्ट फाई है मेरा 0.95, उससे रिक्वायर्ड 5 की वैल्यू निकल जाएगी। फिर 10.51 एंड 10.52 निकाल लेंगे। अभी हम सारे वैल्यूज को फॉर्मूले पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 398 which can be rounded up to 400 kVAR. तो ये रेटिंग का हमें कैपेसिटर बैंक लगाना पड़ेगा तो अचीव द पावर फैक्टर टू 0.95। ठीक है ना। अभी हम टेबल मेथड देखेंगे। इसमें एक गिवन टेबल का यूज करना होता है, जैसे कि हम देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम है ओरिजिनल और प्रेजेंट पावर फैक्टर, फिर आगे है डिजायर्ड और रिक्वायर्ड पावर फैक्टर, फिर टेबल के बीच में कुछ वैल्यूज दिख रही है, वो है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर्स। इसका यूज कैसे करना है हम आगे देखेंगे। अभी हम फिर से वही एग्जांपल कंसीडर करेंगे फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। रेफर टेबल ऑफ एक्स एक्सिस फॉर प्रेजेंट पावर फैक्टर एंड वाई एक्सिस फॉर रिक्वायर्ड पावर फैक्टर। वी गेट मल्टीप्लायर एज 0.635। नाउ सिंपली मल्टीप्लाई द फैक्टर विद किलोवाट, वी विल गेट केवीएआर। इन दिस केस वी आर गेटिंग 400 kVAR एज आंसर। मैंने टेबल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया है। अभी हमने देखा कि कोई भी दो मेथड यूज करे रिजल्ट वही आ रहा है। सो यू कैन चूज व्हिचएवर मेथड यू आर कंफर्टेबल विथ। नाउ हियर वी कम टू एंड ऑफ आवर वीडियो। मैंने बहुत शॉर्ट टाइम में आपको पूरा समझाने की कोशिश की, होप आपको समझ आया होगा। आप और प्रैक्टिस कीजिए, आप यूज टू हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या मुझे मेल भी कर सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इफ यू फाउंड इट यूजफुल। वेरी थैंक यू टू यू ऑल।